इसके बाद फिर झारखंड मनोज दे लोगों से मिलने जा रहा हूँ। बहुत सही बहुत सही। उन्हीं का मोटिव और उन्हीं से मोटिव होके ये सब स्टार्ट। सिंगरौली से निकले थे वो और पता नहीं यहाँ साइड से घूमते घूमते भी झारखंड वगैरह जाएंगे साइकिल से, मनोज दे भाई से मिलने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। और अभी मैं जा रहा हूँ शेडोल, अभी टाइम देख पा रहा हूँ मैं अपनी तैयार हो चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज गया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ शेडोल, मुझे काम है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। सो दोस्तों, अभी मैंने अपना हेलमेट माउंट जो है उस पर सेट कर लिया है और अब मैं इसे पहनता हूँ। और फिर उसके बाद मेरे पास सिर्फ मोबाइल है, मैं मोबाइल से ब्लॉग शूट करता हूँ। तो अभी फिर इसके बाद फिर मैं पहनने के बाद इसमें मोबाइल फिट करूँगा और उसके बाद अपनी जो शेड्यूल की यात्रा है उसे प्रारंभ करूँगा। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं घुंगुटी का जंगल, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ये है ढाबा बारा क्षेत्र, जो और कुछ भी नाम हो सकता है, पर हम बचपन से यहाँ आते हैं। हम साइकिल से इतने दूर तक आ जाते थे जामुन खाने के लिए, क्योंकि यहाँ जामुन के बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। और तो हम इसका नाम जानते थे ढाबा बारा, तो ये ढाबा बारा है हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से जो नहीं पता, पर एक प्रॉपर एरिया के हिसाब से अगर आपको जानना है तो आगे है एक बोर्ड लग गया है वहाँ पे, एक मिडवे स्ट्रीट नाम करके एक बोर्ड लगा है। आपको बताता हूँ, मुझे याद नहीं है, आगे बोर्ड को देख कर बताऊँगा और आपको भी दिखा दूँगा, तो उसके हिसाब से आप जान जाएंगे कि ये कौन सा एरिया है। पर अभी जितना मुझे पता है तो मैंने आपको बता दिया, आपके साथ शेयर कर लिया। तो अभी आपको सामने बोर्ड दिख रहा होगा ब्लू कलर का, तो चलिए चलते हैं वहीं पे, फिर आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। काफ़ी अच्छा जगह है, शांत माहौल, शांत जगह है। और ये देखो आप, एक रेस्ट हाउस टाइप का बना हुआ है, अभी बना है 2-3 साल पहले, यहीं पर एक टावर भी लग गया है शायद जियो का है। तो ये मिडवे ट्रीट पाली है अमरकंटक 135 किलोमीटर। और अभी ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G मोबाइल से, और आप लोग इसका वीडियो क्वालिटी देखिए और फिर वीडियो को देखने के बाद फिर कमेंट में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि वीडियो क्वालिटी कैसी है। और मैंने अपना एक जो सस्ता वाला हेलमेट है उस पर ये हेलमेट माउंट जो मैंने फिट किया है, ये है एक्शन प्रो का, लेकिन मुझे 400 करीब का पड़ा है और मेरे पास मैंने आपको बता ही दिया। और एक सैमसंग का ही मैंने मेरे दोस्त से लिया था ईयरफोन सैमसंग का, उसी ईयरफोन को मैंने रिपेयर करके बनाया है और उसी को मैंने फिट किया है। तो साउंड क्वालिटी भी आपको आ रही होगी, तो इसका भी कमेंट में बताइए कि साउंड क्वालिटी कैसी है। और जैसे जैसे मैं यूट्यूब से मेरी कुछ अर्निंग होने लगी थी, उसके बाद मैं एक अच्छा सा बोया कंपनी का एक माइक्रोफोन ले लूँगा, और अगर आपका प्यार सपोर्ट बन रहा है तो किसी अच्छी कंपनी का भी एयरफोन वगैरह ले लूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और मुझे राइडिंग वीडियो बाइक का जो मोटो ब्लॉग है मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मेरे पास इतनी पैसे नहीं है, अभी मेरे पास है TVS स्कूटर। यहाँ से गंदा वाला रोड स्टार्ट हो गया है क्योंकि यहाँ पे बनना है ओवर ब्रिज, ये 43 नेशनल हाईवे का जो स्पेशल रोड है उसका। तो अभी इसको आप देख पा रहे हो कि ये है गंदी वाली रोड, तो ये बनेगा पर टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक ये ओवर ब्रिज बन नहीं जाता है तब तक ये वाला रोड नहीं बनेगा। तो ओवर ब्रिज का जो पुल है वो पूरा बन जाएगा, उसके बाद ये रोड स्टार्ट होगा और ये होगा ओवर ब्रिज का, तो ये रोड ऊपर तक जाएगा। तो काफ़ी गंदा रोड है। और दोस्तों, मेरा हेलमेट भी थोड़ा ढीला है और मोबाइल का जो वज़न है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके कारण मेरा हेलमेट भी नीचे आ जाता है, थोड़ी तकलीफ़ होती है, पर कोई नहीं, एक जुगाड़ है, मैं उसको हल्के से हल्के हाथों से ऊपर कर लेता हूँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे बाइक चला रहा हूँ, और काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रक से ये चलती है क्योंकि यहाँ पावर प्लांट भी हैं, तो चिंचाई वगैरह से जो राखर है वो आता है और जाता है पतना दिखा पता नहीं कहाँ कहाँ सीमेंट फैक्ट्री में। और ये रोड कब बनेगा अभी इसका तो नहीं पता, देख पा रहे होंगे बंदर यहाँ बहुत हैं क्योंकि ये है घुंघुटी, बांधवगढ़ से पूरा अटैच है। आपको यहाँ पे कभी आप कोई वीडियो सर्च करना गूगल वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, तो शायद आपको यहाँ का कोई वीडियो मिल जाए जिसमें बाघ हिरण वगैरह का चित्र दर्शाया हो। तो दोस्तों, ये जंगल है, यहाँ बाघ हिरण शेर भालू सब रहते हैं,
और मिलते हैं, कभी कभार मिल जाते हैं इत्तेफाक से किसी किसी को। मेरे भाई ही बता रहा था कि वो जब आ रहा था रात में क्या दिन में, तो उसको दिखा था भालू। और अभी कुछ महीने पहले, एक या दो महीने पहले, एक वीडियो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मिला था मुझे, जिसमें एक बाघ यहीं ये सामने जो आपको पुल दिख रहा है ना, रेलवे क्रॉसिंग, तो यहीं एक बाघ दिखा था। इसलिए यहाँ आए तो रात को हो सके तो ना आए, और आते हैं तो एक नहीं कम से कम दो बंदे हों। और मैं आ गया हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पर जो है कि फटक बंद है, तभी मैं गाड़ी साइड में लगा लेता हूँ क्योंकि यहाँ गंदा भी बहुत है। तो फाटक लगा हुआ है, ये है मुरचा फाटक। यहीं पे किस ज़माने में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, मतलब बस फंस गई थी बीच में शायद, और फिर ट्रेन आ गई थी तो बहुत से लोग घायल हो गए थे, एक आध दो लोग शायद ख़त्म भी हो गए थे। और ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं तीसरी रेलवे लाइन का जो है काम चल रहा है, और यहाँ बनेगा ओवरब्रिज, तो नीचे एक जेसीबी भी लगी है। हल्का सा आपको एक कुछ दिख रहा होगा जेसीबी का कोई छोटा सा एंगल। ये दोस्तों पहुँच गया मैं घुनघुटी, ये है घुनघुटी में। यहाँ पे आपको बहुत सारे ढाबे मिल जाएंगे, पूरा ढाबा वाला क्षेत्र है। और ये वाले रोड से आप जाते हैं छोटी तुम्मी व्यू पॉइंट, जो कि एक व्यू पॉइंट है, पहले स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा था पर अब वो नहीं है। और जो ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करते हैं दोस्तों, उनके पास अच्छी अच्छी बाइक्स होती है, और मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो भी मोटो ब्लॉगिंग कर रहा आज, और मेरे पास एक हल्की सी बाइक है। पर जो भी है दोस्तों, TVS स्पोर्ट को आप कम मत समझना, ज़बरदस्त इसकी पिकअप है, और माइलेज के बारे में तो मत ही पूछो। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी गाड़ी जो है अभी 60 में पहुँचने वाली है, और काफ़ी अच्छा इसका पिकअप है, तुरंत ही मतलब सेकेंडों में स्पीड बढ़ाती है। काफ़ी अच्छी बाइक है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे ना हो, आपको सिर्फ गाड़ी लेनी हो, अपना काम चलाना हो, तो आप TVS स्पोर्ट की तरफ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी बाइक है। ये मेरा 7 से 8 सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इस गाड़ी को काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, और मैं इसकी मेंटेनेंस बहुत ही हल्की है, और क्या बोलें इसको, इसकी सर्विसिंग वगैरह जो है वो आप स्वयं भी कर सकते हैं। शुभम ढाबा रिजॉर्ट, जो कि काफ़ी अच्छा आप लोग देख पा रहे होंगे। जब भी आप इस रास्ते से गुजरे तो आप यहाँ आराम कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। और ये क्या हो गया भाई, इसका टायर ही निकल के भाग गया। आएंगे तो आप अपने मन चाहे हिसाब से, यहाँ कोई लिमिट कंट्रोल नहीं है, आप जितना चाहे भागा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भाई जा रहा साइकिल से यात्रा करते हुए, पता नहीं कौन है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, उस बंदे को हमने आगे कर दिया है, वो कर रहा है भारत यात्रा साइकिल से। चलो मैं आपको उनको दिखाता हूँ। KDS योर हैप्पीनेस, हाँ चैनल का नाम होगा। और ये है KDS योर हैप्पीनेस चैनल का।
का नाम है भैया, मोटर ब्लॉग करते हैं। थैंक यू बस हैप्पीनेस। और कहाँ से हैं आप? मैं पाली। पाली से भैया हैं और मैं पाली को होके ही आ रहा हूँ। और भैया कुछ शायद शूट ऑन कर रहे थे। अच्छा लगा, थैंक यू भैया, नाइस बाय। KDS योर हैप्पीनेस। हाँ, तो आप भारत यात्रा कर रहे हैं भाई, आप कहाँ से आए हैं? ये तो डाटे नहीं चल रहा है, आपका नेम डाल दीजिए। तो ये भाई का चैनल है भारत यात्रा, प्लीज़ सपोर्ट, आनंद ट्रैवल ब्लॉग है। ये साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं भारत यात्रा के लिए, तो आप इन्हें भी सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल देख लीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर देना। चलिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केदारनाथ से वैसे लौट के आ रहे हैं, सिंगरौली से केदारनाथ गया था। जी केदारनाथ से ऐसे अपन आगरा मथुरा वृंदावन होते हुए बागेश्वर धाम पन्ना छतरपुर ऐसे चित्रकूट होते हुए मैहर होते हुए इधर कटनी साइड से इधर आए। चलिए अभी कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ शहडोल से अनूपपुर, अनूपपुर से ऐसे सिंगरौली का थोड़ा सा विलेज ब्लॉगिंग कर वहाँ जाऊँगा। इसके बाद फिर झारखंड मनोज दे लोगों से मिलने जा रहा हूँ। बहुत सही नहीं, बहुत सही। छत्तीसगढ़ चलिए, बढ़िया। स्टार्ट किया था ऐसे होते हुए बनारस होते हुए, प्रयागराज बनारस होते हुए स्टार्ट किया था मैं। सिंगरौली में है तो थोड़ा सा चैनल को हमारा बिल्कुल हाँ। चलिए फिर कभी मिलते हैं। थैंक यू, नंबर दे दीजिए। हाँ ठीक है ना, 62 61 80। चलिए बढ़िया बढ़िया, हाँ बिल्कुल। हाँ चलिए, तो ये मेरे भाई थे, भारत यात्रा कर रहे हैं साइकिल से, सिंगरौली से निकले थे और अभी मैं भूल गया बातें में कहाँ यात्रा की है उन्होंने, और सिंगरौली से निकले थे वो, और पता नहीं यहाँ साइड से घूमते भी झारखंड वगैरह जाएंगे साइकिल से। मनोज देव भाई से मिलने जा रहे हैं, तो मनोज देव भाई आपको मैं एक बार इतला कर दूंगा अपने चैनल पे, प्लीज़ आप देखिएगा। ये भाई साइकिल से आपसे मिलने आ रहे हैं, आप ही के फ़ैन हैं, आप ही से मोटिवेट होकर के ये इन्होंने ये चैनल अपना बनाया और अभी काम कर रहे हैं चैनल पर, और साइकिल से आपसे मिलने आ रहे हैं भाई साइकिल से। तो प्लीज़ आप इनको सपोर्ट कीजिएगा, इनको जितना चाहे उतना सपोर्ट कीजिएगा। और मैं भी एक यूट्यूबर ही हूँ, तो मोटो ब्लॉगिंग भी कर लेता हूँ और हल्का फुल्का ऐसे कुछ कर लेता हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आप भी सभी ने सपोर्ट कीजिए। और मनोज भाई आपसे तो विशेष करके विनती है कि भाई जब आपके पास आए तो आप इन्हें सपोर्ट कीजिएगा, और इनको इतने दूर से यात्रा कर रहे हैं तो आप इनका जितना चाहे उतना मनोबल बढ़ाइएगा, क्योंकि आप ही से ये मोटिवेट हुए हैं तो अपना चैनल बनाए हैं, और आपसे मिलने आ रहे हैं इतने दूर साइकिल से। और अभी मैं आपको बता दूं, मैं हूँ मध्य प्रदेश का जो शहडोल संभाग है वहाँ पे हूँ, और यहाँ से झारखंड पता नहीं कितना दूर है, मुझे नहीं पता, तो पता नहीं कितनी दूर अभी ये साइकिल से आपसे मिलने आ रहे हैं साइकिल के थ्रू।